नहीं, इमोशनल तो हम हैं ही हैं, बहुत ही जज्बाती वाली बात है, दुख की बात है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल बनना पड़ा। और अगले साल से जहाँ भी हम जो ऑफिस जाएं लेंगे तो वहाँ पे छोटा सा और इससे गणपति, क्योंकि जगह इतनी होगी नहीं, और बाबा के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से, माताजी के आशीर्वाद से ये परंपरा जारी रखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ बाबा से इतना हम बोलेंगे कि हमें माफ़ कर देना, आपकी सेवा हमने हमेशा की, आपने मौका दिया हमें सेवा करने के लिए, परिवार को सेवा करने के लिए, और जो प्यार मोहब्बत से हम जितनी ये उत्सव मनाएंगे, मना सकते हैं, वो कोशिश करेंगे। देखिए हमारे, नहीं ऐसी बात नहीं है, आर के स्टूडियो हम दे रहे हैं, आर के फिल्म्स तो फिर भी जीवित है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक आध कई पिक्चर तो शुरू करेंगे जल्दी, तो आर के फिल्म्स को तो हमने नहीं निकाला। आर के स्टूडियो प्रैक्टिकलिटी में हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई एक्टर आता नहीं है, कोई लोग आते ही नहीं हैं, लोगों को बहुत दूर पड़ता है चेंबूर, रास्ते ख़राब हैं, मेट्रो बन रहा है, तो सारी विपत्तियाँ हम पर आके आई है। आज एक ज़माना जब ट्रैफिक इतना नहीं होता था, लोग तो आते ही थे, पर सब प्रैक्टिकलिटी में बहुत मुश्किल पड़ रहा है सर्वाइव करने के लिए, यू नो प्रैक्टिकल नहीं है। तो एक बहुत ही जैसे दिल पे पत्थर रख के ये कॉन्शियस डिसीजन हमारे परिवार ने, माता जी ने, सारी बहनों ने, भाइयों ने, हमने सब मिल के किया, और दुख होता है, बहुत दुख होता है। इस साल गणपति बप्पा से क्या विश मांगा आपने? जो मांगा जाता है उसे बोला नहीं जाता। थैंक यू। बस आशीर्वाद दीजिए हमें कि ये परंपरा जारी रहे, आपका मनोरंजन कर सके, एक पिक्चर बना सके, बस उससे ज़्यादा क्या मांगूंगा मैं। थैंक यू।